अभी मैं जा रहा हूँ शंशाले शाह की दरगाह पर अपने दोस्तों के साथ, आप देख सकते हैं बाइक पर। तो मैं हूँ राजेश कुमार और आज मैं आ चुका हूँ शंशाले शाह की दरगाह पर और आपको यहाँ का विज़िट कराऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि यहाँ क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं मैं अभी शंशाले शाह के दरबार पर हूँ और आपको आगे का वीडियो भी बना के दिखाऊँगा। कुमार ये भी हमारे साथ आ चुके हैं वीडियो बनाने के लिए और ये है विनोद भाई, विनोद भाई भी आ चुके हैं जो पिछले वीडियो में हमारे साथ थे, पवन भाई, और ये भी आ चुके हैं हमारे साथ, और भाई ये भी हमारे साथ आ चुके हैं। बाइक पार्क की और हम आगे की तरफ जाते हुए तो दोस्तों हम पहुंच चुके थे शंशाले शाह की दरगाह पर और हम आगे की तरफ जाते हुए दोस्त सारे साथ में हमारे, सबसे पहले यहाँ पर हमने जूते उतारे और आगे की तरफ जाते हुए। दोस्तों यहाँ पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी और 2:30 बज रहे थे दिन के, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और आप ये देख सकते हैं बाहर से दरगाह शंशाले शाह की, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर पहुँच के हम गेट खोल कर अंदर गए, अंदर जाते हमने कुछ दुआ मांगी और यहाँ पर जो प्रसाद लेके गए थे वो भी हमने बांटा आपसे। अजय भाई हमारा वीडियो बना रहे थे और हम दुआ मांग रहे थे, विनोद भाई भी आगे वीडियो बना रहे हैं। ये आप अंदर का नज़ारा देख सकते हैं, शंशाले शाह की मज़ार भी देख सकते हैं आप। और ये देख सकते हैं विनोद भाई, अजय भाई और किशोर कुमार ये जो दुआ मांग रहे हैं यहाँ पर, ये गोविंद भाई और पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर का नज़ारा है जो दरगाह के अंदर का, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने वीडियो बनाया था यहाँ का। ये शंशाले शाह की मज़ार है, मैंने ये आगे जैसे हम निकले यहाँ से बाहर निकलते हमने हाथ मुँह धोया, यहाँ का पानी बहुत ही अच्छा और ठंडा था, इतना ठंडा था कि जितना बर्फ़ वाला पानी पी इतना ठंडा नहीं होता है। मैं यहाँ से हाथ मुँह धोकर पानी पिया और ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चक्कू भी खड़े हुए हैं। तो दोस्तों हम जैसे ही दरगाह शो के बाहर निकले तो जो यहाँ का मुजाविर उसे भाई ने हमें बुलाया और बोला बैठो आपके लिए मैं चाय बनाता हूँ, और भाई साहब ने हमारे चाय बनाना शुरू कर दी। और यहाँ पर किशोर मुकेश भाई है जो सब्ज़ी वाला, वो भी आ चुका था यहाँ पर किशोर भाई के जो साथ में बैठा हुआ है, और भाई साहब हमारे लिए देख सकते हैं चाय बना रहे हैं और चाय बना भी दी हमारे लिए, अभी प्यालों में जो चाय लगा रहे हैं। बहुत ही अच्छी चाय बनाई थी भाई साहब ने। हम सात जो बंदे थे और हमारे को चाय भी दे दी, बहुत ही अच्छी चाय थी, ये सारे दोस्त हम चाय पीते हुए। तो दोस्तों हमने चाय पीने के बाद गोविंद भाई ने नलका चलाया और देवन भाई ये प्याले धो रहा है, देवन भाई ये जो प्याले अभी धो रहे हैं और गोविंद भाई ये जो नलका चला रहे हैं। चाय बहुत ही अच्छी थी यहाँ पर जो साईं ने बनाई थी, चाय पी लेकिन अब प्याले के हम खुद ही धो लेते हैं, इसलिए हमने खुद ने प्याले धोए और बाकी जो हमारे दोस्त थे वो बैठे हुए थे पास। तो दोस्तों मैंने चाय पीकर सोचा, मैंने बोला क्यों ना कुछ थोड़ा सा और भी बड़ा कुछ वीडियो बना लूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हाथ पौधा लगा हुआ जैसे चाकू और कुछ बाकी और भी जो फ्रूट्स है उसके भी कुछ पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं पूरा बाग की तरह बना हुआ है। और दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हैं पानी वाला खड्डा, इस
या आप का जो पानी या से जो कि आते हैं जो चावल वगैरह पकाते हैं और जहाँ का यही पानी इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पर दोस्तों जो कि मेला या कोई सुमर का दिन होता तब भी यहाँ पर जो चावल वगैरह बनाए जाते हैं और उसके लोग जो कि आते हैं श्रद्धालु यहाँ पर भोजन बनाते हैं। और ये दोस्तों खजूर है जो कि लगे हुए हैं मगर कच्चे हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर छाने हुए भी थे और ऊपर कुछ कच्चे लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुकून था और छाँव भी अच्छी थी यहाँ पर, बहुत ही ठंडी। हम यहाँ पर कुछ देर बैठे भी थे और ये जो छने हुए सारे खजूर हैं और ये कुछ कच्चे लगे हुए थे, छोटे छोटे पेड़ों में भी लगे हुए हैं। और